जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों यहां पे आपकी पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज की एक न्यू अपडेट निकल के आई है और ऑफिशियली अपडेट के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी एडमिशन को लेकर, ठीक है। एडमिशन की डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके कब से एडमिशन हो रहे हैं, क्या पीएटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पीएटी के थ्रू जो है एडमिशन होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके कैंपस के बारे में आपसे बात करेंगे, कैसा कैंपस है। वीडियोस में आपको ऑल जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो एमपी के खनिज मंत्री है डॉक्टर आपके बृजेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, उनके द्वारा ऑफिशियली जानकारी दी गई है। उन्होंने विजिट किया था पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज में, और यहां तक कि आपकी जेएनकेबीवी की जो टीम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसके द्वारा इसको मान्यता दी गई है। तो जेएनकेबीवी की टीम ने भी वहां पे विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी स्टेटमेंट आपको इस वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इस और डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस देखने को मिल जाएगा आप सभी को, कैसा कैंपस है वहां का। और भाई जो भी स्टूडेंट्स नए हो तो आप सभी को पता है क्योंकि एग्रीकल्चर की ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्री जर्नी टाइम बाय टाइम प्रोवाइड कराता है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट करें सभी लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। बाकी आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और मेरी जो है सोशल मीडिया की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम वहां पे भी आप ऐड हो सकते हो। प्लीज भाई सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं बार बार आप सभी से ये बोलता हूँ, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज मंत्री है एमपी के, ठीक है, श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को सुनते हैं। उन सब चीजों को हम कर ही रहे हैं, साथ में अभी हम कल ही बात कर रहे थे पीरोडी साहब से कि हमारी ये रोड जो हमने अभी स्वीकृत कराई है, क्योंकि कॉलेज 23 जनवरी को चालू हो रहा है, लेकिन आपने बोला कि 10 जनवरी से इस रोड का भी काम लग जाएगा, तो आप तो 10 जनवरी के अंदर लगवा दो, मेरा ये कहना है। तो हम चाह रहे हैं कि पहाड़ी खेरा तरफ से इधर की ये रोड का भी निर्माण, क्योंकि ठेकेदार निश्चित हो गया है, पैसा भी आ गया है, और इसलिए उसका भी हम इस रोड का भी चौड़ीकरण, पूरी रोड का आपका पन्ना तक का चौड़ीकरण भी हम पहाड़ी खेरा से चालू करने वाले हैं। और भी सिंचाई की योजनाएं हमारी पाइपलाइन में है जो आप लोगों की मांग रही है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस के माध्यम से यह जानकारी प्रोवाइड की थी कि आपकी यहाँ पे जो है 60 सीट इंक्रीज होगी, और 101% यहाँ पे वही हुआ कि पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की 60 सीट को जो है इंक्रीज किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें पीएटी के थ्रू जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, और मे बी मेरे को लगता है कि आपका पीएटी का सेकंड राउंड जब होगा ना, तो हो सकता है इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, या अलग से इसकी काउंसलिंग हो सकती है पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज की। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा 23 तारीख से एडमिशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पन्ना के कलेक्टर हैं, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी, उनकी स्टेटमेंट को भी सुन लेते हैं। तो आइए सुनते हैं। छिंदवाड़ा जिले के लिए ट्रांसफर कर दिया, पन्ना का कॉलेज निरस्त नहीं हुआ था, केवल बजट ट्रांसफर हुआ इसलिए पन्ना का कॉलेज नहीं चालू हो पा रहा था। तो माननीय मंत्री जी से हमने तभी उसमें कहा था कि कॉलेज चालू करने के लिए जो जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारी है, भवन की बाकी तैयारी जब आप निर्देश देंगे हम तुरंत कर लेंगे, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा हो जाए। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पन्ना का कृषि महाविद्यालय शीघ्र चालू किया जाएगा, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे थे। मार्च 2022 में मैंने ये बिल्डिंग कृषि महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दी थी, और कृषि विभाग को हमने पूरा प्रस्ताव बना के इसका ड्राइंग डिजाइन भेज दिया था ताकि वहाँ पे कुछ काम हो। शासन स्तर पे प्रक्रिया माननीय मंत्री जी के निर्देशन में चल रही थी। इस बीच 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जेके सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करने जब आए थे तब भी उनसे अनुरोध किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की कि इसी सत्र से, शैक्षणिक सत्र से कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। तो 2 नवंबर के बाद से स्थितियां और स्पीड हुई हैं, और इसी सिलसिले में पिछले महीने वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर की उनका ही भ्रमण हुआ, हमने उनको कहा कि हम लोग इसको बहुत जल्दी चालू कर पाएंगे, और ये बिल्डिंग हमने पहले ही आरक्षित आवंटित कर रखी थी महाविद्यालय के लिए। अब चूंकि नया सत्र 23 जनवरी से चालू होना है, तो उसके पहले हमारे पास टारगेट ये था कि बिल्डिंग अगर हम इसको नहीं मेंटेन करेंगे, नहीं रंगाई पुताई करेंगे, नहीं ठीक करेंगे, तो जो बच्चे एडमिशन लेंगे ऑनलाइन
और जब मौके पे आके वो देखेंगे यहाँ पे कोई कॉलेज जैसी कोई चीज नहीं है तो उनको निराशा होगी और यहाँ पे फिर कोई पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए आएगा नहीं। इसलिए सर हमारी जो टीम है, हमने पिछले एक हफ्ते से लगातार हम लोग सुबह शाम यहाँ पे दिन भर बैठ के साइट पे मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ छोटी छोटी जो चीजें हैं हम लोग यहाँ अच्छी तरीके से कर पाए। तो हमारी PWD एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र और SDM PHE और हमारी जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत ये पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। बिजली विभाग लगा हुआ है। आप सभी ने जो है पन्ना कलेक्टर की भी ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट को सुना होगा और कुछ ट्वीट्स हैं जो कि पन्ना कलेक्टर के द्वारा मेंशन किए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर रीड कीजिएगा आप सभी लोग। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जो है जो ट्वीट्स किए गए हैं पन्ना जो है कलेक्टर है उनके द्वारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप ट्विटर उनके अकाउंट पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जरूर वहां पे जाके ऑफिशियली इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीड करके देखिएगा सारे जो है ट्विटर ऑफिशियली ट्वीट किए गए हैं, आपको एक एक करके जानकारी देखने को मिल जाएगी क्या अभी तक कहां तक जो है वर्क प्रोसेस हुआ है। ठीक है, ऑल ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो ट्विटर आपको यहाँ पे ट्वीट्स दिख रहे हैं उनकी लिंक मैं आपको जो है टेलीग्राम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर डाल दूंगा और उनकी स्टेटमेंट भी डाल दूंगा, तो आप जरूर इन चीजों को देखिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, तो सभी लोग अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना भाई, सभी से रिक्वेस्ट है सभी को इस बात की जानकारी मिले कि कहाँ पे कॉलेज जो है ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होपलेस हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कम नंबर भी है तो बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं आपके। और आप सभी को एक चीज पता है कि आपके कल जो है PAT के अलॉटमेंट भी आने वाले, कल यानी 11 तारीख को जब ये मॉर्निंग में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो 11 तारीख को आपके मे बी 5 बजे के आसपास शाम को जो है अलॉटमेंट रिलीज किए जाएंगे, तो देखते हैं किसको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, लाइक जरूर कर देना और कोई भी डाउट हो अपना क्वेश्चन आस्क करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई, मैं बार बार सभी से यही बोल रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्री जर्नी पर देखने को मिलती है टाइम बाय टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।